मैं आ चुकी हूँ दीपमाला ब्लॉग एंड रेसिपी में आप सबका स्वागत है। ये मैंने बंद गोभी लिए और बड़े बड़े आकार के कट करके धुल के रख लिए। अब एक मिक्सी जार लूंगी और इसमें ऐसे करके पीस लूंगी, ऐसे करके थोड़ी थोड़ी दो पार्ट में मैं इसको पीस लूंगी। देखिए ये मैंने मिक्सी जार से पीस लिए मतलब, और इसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया। देखिए ऐसे, अब इसको हम नचोड़ लेंगे, जितना पानी होगा सब निकल जाए। इस तरीके से अगर आपने मंचूरियन बना ली तो आप बार बार बनाएंगे। ऐसे करके हम इसको नचोड़ लेंगे। देखिए मैंने बंद गोभी को नमक मिला के पानी निकाल दिया, अच्छे से नचोड़ लिया। अब इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच मैदा, देखिए 2 चम्मच मैंने मैदा डाल दिए। अब इसमें थोड़ा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, देखिए बाइंडिंग के लिए। अब इसमें थोड़ा सा हम काली मिर्चें पिसी हुई ये डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे 1/2 चम्मच, थोड़ा सा कटा हुआ बारीक लहसुन डाल देंगे, थोड़ी सी घिसी हुई अदरक डाल देंगे, थोड़ी सी कटी हुई प्याज डाल देंगे। अब इसको हाथों से मैश कर लेंगे। अगर आपको कम लगे मैदा तो आप थोड़ी सी मैदा और डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं डालना है। आधे चम्मच हम सोया सॉस डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। देखिए अच्छे से हम इसको मिला लेंगे, देखिए बिल्कुल परफेक्ट। 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, परफेक्ट हो गई। देखिए अब इसके गोल गोल हम बॉल बना लेंगे, देखिए छोटे छोटे हम ऐसे करके बॉल बना लेंगे, ऐसे करके देखिए बिल्कुल गोल गोल आपको बॉल बना लेनी है, ऐसे ऐसे। सारे हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे बॉल मैंने बना लिए। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। देखिए कढ़ाई मैंने पहले से रख दी थी, ऑल अच्छे से हो गया है। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। गैस को थोड़ा स्लो कर देंगे, इसे अंदर से अच्छे से सिक जाए हमारे। एक बार में जितने बॉल आ जाए आप उतने बॉल फ्राई कर लीजिए। देखिए ऐसे उलटते पलटते मैं अच्छे से इनको फ्राई कर लूँगा। अभी इनको अंदर से और सेकना, अभी अच्छे से सिकेंगे, अभी थोड़ा इनको और फ्राई करना। देखिए उलटते पलटते मैंने अच्छे से इनको फ्राई कर लिया। अच्छे से फ्राई हो गए, अब इसको अच्छे से मैं निकाल लूंगी। देखिए कितने बढ़िया फ्राई हो गए। दूसरे बैच के भी मैं डाल दूंगी और ऐसे उलटते पलटते अच्छे से मैं फ्राई कर लूंगी। अब 2 बैच में हमारे फ्राई हो जाएंगे। देखिए दूसरा बैच भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसको भी हम प्लेट में अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे सिके हैं हमारे। गैस को ऑफ कर देंगे। कढ़ाई मैंने दूसरी चढ़ा दी, अब से थोड़ा सा मैं उसमें ऑयल लगा दूंगी। देखिए ये मैंने लहसुन कट करके रखे बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक डाल दूंगी मैं। इसको अच्छे से भूनने देंगे। और ये मैंने प्याज कट करके रखी है, अच्छे से इसको भून लेंगे। अब इसमें 2 लंबे आकार की हरी मिर्च कट करके डाल देंगे,
एक पीछे अंदर घिस के रखी, ये भी डाल देंगे, अच्छे से इसको भूनने देंगे। देखिए अब ये मैंने दो शिमला मिर्च लंबे आकार की कट करके रखी है, ये मैं इसी में डाल दूँगी। आपके पास जो सब्जियाँ वो डाल सकते हैं, मेरे पास शिमला मिर्च थी इसीलिए मैं शिमला मिर्च डाल दूँगी और इसको अच्छे से भून लेंगे। दो चम्मच ग्रेवी के लिए हम कॉर्नफ्लोर दो चम्मच ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और घोल के एक तरफ रख लेंगे, ऐसे करके लम्स बिल्कुल ना रहे, ऐसे आपको अच्छे से घोल लेना है। अब इसमें थोड़ा सा डाल देंगे टमाटो सॉस, थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल देंगे। ग्रीन चिली मैंने निकाल ली, आप रेड चिली भी डाल सकते हैं, अगर ग्रीन चिली रेड चिली जो आपके पास हो आप डाल दीजिए। अब इसी से हम डाल देंगे इसमें विनेगर एक चम्मच। अब हम डाल देंगे सोया सॉस, इसी से दो चम्मच लमसम हम सोया सॉस डाल देंगे। देखिए अब अच्छे से इसको चला लें। थोड़ी सी मिर्च डाल देंगे और नमक डाल देंगे थोड़ा सा, अब इसको अच्छे से शिमला मिर्च हमारी देखिए कितनी अच्छे से पक गई है। अब जो हमने कॉर्नफ्लोर को घोल बना के रखा था अब इसको अच्छे से डाल देंगे और थोड़ा पानी डाल देंगे, इसी को धुलकर पानी डाल देंगे हम, इसको अच्छे से चला देंगे। ग्रेवी देखिए हमारी अच्छे से पक गई। अब हमने जो मंचूरियन बना के रखी है बॉल्स बंद गोभी के, ये डाल देंगे इसमें। देखिए गैस को थोड़ा स्लो कर देंगे, देखिए कितनी अच्छी सी मंचूरियन बनके हमारी तैयार हो गई। देखिए थोड़ी सी मैंने ग्रेवी वाली बनाई है मंचूरियन, देखने में भी यम्मी लग रही है। देखिए एक मिनट तक खूब अच्छे से इसमें खूब अच्छे से खोला लेंगे। देखिए यम्मी सी मंचूरियन बनके मेरी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसकी अच्छे से मैं प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी सी मंचूरियन बनके मेरी तैयार हुई है ग्रेवी वाली। देखिए ग्रेवी भी अच्छी लग रही है और एक मंचूरियन मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। देखिए कितनी यम्मी से बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट है बिल्कुल। आज आपको मेरी मंचूरियन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर।